असलम वेलकम टू अनदर वीडियो आई एम अहमद वन ऑफ दी आएल्स एंड पी टी ट्रेनर एट एडीफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज आज की वीडियो में मैं बात करूँगा जो अभी कॉमनली रिपीटेड रिसेंटली जो रिपीटेड क्वेश्चन क्यू कार्ड के अंदर आ रहा है और उसको आप कैसे जवाब दे सकते हो uh, तीन जो टॉपिक्स हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो के लिए क्योंकि ये तीन आई थिंक हम वर्ट डिफरेंट वेरिएशन के साथ जाएँ वो कहीं ना कहीं बार बार जो है वो अपीयर uh, हो रहे हैं तो हम इसको कैसे कैटर uh, कर सकते हैं और हमने इसमें क्या रिस्पॉन्ड करना है इस वीडियो में मैं उसकी बात करूँगा अच्छा तो क्यू कार्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन चैलेंज एक स्टूडेंट्स को आता है वो ये आता है कि हम लेंथ uh, कैसे इंक्रीज करें अपने आंसर की टू द पॉइंट आंसर करना क्वेश्चन का इतना ज़्यादा वो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है लेकिन लेट्स से अगर आप बहुत ज़्यादा लेंथ की बात कर रहे हो डेढ़ दो मिनट के लिए तो वो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं पहले भी बारह तरीके बता चुका हूँ लेकिन एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप क्या करते हो कि आप कभी भी क्वेश्चन के आंसर से स्टार्ट नहीं करते हो आप पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हो जिसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं तो पहले आपने कॉन्टेक्स्ट देना होता है ठीक है उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप क्वेश्चन का आंसर करते हो जो कि मेन क्वेश्चन है और फिर थर्ड स्टेप के ऊपर जो फर्दर उन्होंने सपोर्टिंग पॉइंट्स ही होते हैं आप बारी बारी उन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंड करते हो तो आपका एक डिसेंट क्यू कार्ड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है अगर आप डायरेक्टली मेन क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे और पॉइंट्स कवर कर दोगे तो टाइम थोड़ा जो आपके पास वो कम होगा क्योंकि आपने उसको उतना एग्जाजरेट नहीं किया जितना कि करना चाहिए था अच्छा अब हम कॉमन uh, जो क्यू कार्ड टॉपिक हैं और उसमें फिर मैं यही वाला तरीका हम उनमें इंप्लीमेंट करके मैं आपको बताता हूँ कि उसको करना कैसे है अब फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ मतलब अ कॉमन दिस डेज इज रिलैक्सिंग प्लेस इन योर टाउन ठीक है जो क्यू कार्ड आ रहा है वो ये कि डिस्क्राइब अ रिलैक्सिंग प्लेस इन योर टाउन इट्स नॉट अ रिलैक्सिंग प्लेस इन योर हाउस प्रीवियसली इट वॉज द क्यू कार्ड बट नाउ इट्स इन योर टाउन तो आंसर करने से पहले ये देख लिया करो कि वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं आपसे अब यहाँ पर इम्फेसिस जो है वो टाउन के ऊपर है मतलब कि हमने ये भी फोकस करना है तो सबसे पहले तो अपने माइंड मैपिंग करो उसके अंदर सोचो कि किस चीज़ की बात कर सकते हो इट कुड बी अ पार्क इट कुड बी अ लोकल मॉस्क मे बी इट कुड बी अ रेस्टोरेंट वेयर यू कैन सिट विद योर फ्रेंड्स एंड टॉक एंड मे बी ड्रिंक इट टेक यूर टी और तो वो जो एक उसकी जो आपकी एसोसिएशन है हैट इज़ समथिंग विच मेक्स यू रिलैक्स इन देन यू कैन टॉक अबाउट इट सो बेसिकली आपने बस एक वो चीज़ माइंड में लेकर आ जानी है जो कि आपके घर के आसपास और आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है Okay, background is called obviously you will talk about a little, little bit of the context that uh, there are many places although i live in a very peaceful environment uh, or in a very peaceful uh, you can say neighborhood and uh, i have a lot of uh, places where i can go and relax uh, inside and outside my house however there's one particular place that i often go and with my friends and sometimes alone as well is this particular प्लेस जो भी है आगे आ जाएगी अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा कि आपने प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाया और वो प्लेस है कहाँ पर कितनी दूर है आपके घर से आपने थोड़ा सेव था और उसके बाद फिर आप एग्जैज करना स्टार्ट कर दोगे कि व्हाट इज़ द नॉर्मल एक्टिविटी दैट यू डू वैन यू गो देर वाई डज़ इट मेक्स यू फील रिलैक्स वैन यू गो देर वट इज़ समथिंग देट यू डू अगर लेट से वो रेस्टोरेंट है तो जब आप क्या ऑर्डर करते हो वहाँ जाके क्या खाते हो किसके साथ बैठते हो किस तरह से आप रिलैक्स करते हो तो वो तो सारे इस पॉइंट्स को अगर आप कवर करोगे तो आप एक अच्छा क्यू कार्ड का रिस्पॉन्स कर सकते हो सेकेंड है जी फेमस पर्सन इन योर टाउन वंस अगेन इट्स नॉट द फेमस पर्सन यू नो अ फेमस पर्सन इन योर कंट्री ये नहीं है थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया फेमस पर्सन इन योर टाउन तो ज़रूरी है कि उस बंदे को अब आप जो है वो डायरेक्टली जानते हो और वो आपके टाउन का ही हो तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पर्सनैलिटी का जिक्र करने से गुरेज करें अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो सुनते हैं फेमस पर्सन का और जो उनके दिन में आ रहा होता है और मोस्टली दे टॉक अबाउट इमरान खान तो यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट हिम स्पेसिफिकली बिकॉज ही ही इज़ नॉट फ्राम योर टाउन ऑफकोर्स तो वो आपकी कंट्री का फेमस पर्सन हो सकता है वैसे ही प्रोमिनेंट पर्सनलैटी हो सकता है बट इन यूर टाउन यू नी टू टॉक अबाउट समन वो यू डायरेक्टली हैव इंटरेक्शन विथ तो इसके अंदर कौन आ सकता है आपके uh, मोहल्ले का कोई पॉलिटिशन आ सकता है कोई ऐसा टीचर आ सकता है जिसने एजुकेशन के लिए उस एरिया में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और उसको बहुत सारे लोग जानते हैं uh, कोई ऐसा आप कह सकते हो कि वंस अगेन कोई रेस्टोरेंट और ना आ सकता है जिसकी जिसका जिसकी फूड कह लो कि स्टॉल बहुत चलता है या फिर उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं आपके टाउन में और लोग बड़ा उसको जानते हैं बिकॉज ही प्रोवाइड्स रियली गुड फूड सर्विसेज तो उस हवाले से आप किसी ऐसे शख्स की बात करोगे जो कि आपके एड गर्ट कहीं रहता है इसमें भी कॉन्टैक्ट उस तरह से आएगा कि आप किसी ऐसे रीट एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या फिर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है हर किस्म के लोग हैं और हर किस्म के लोगों में से अगर आप कैटेगरीज देखो तो लोग बहुत बहुत अज़ीम काम कर रहे हैं उसमें लेकिन स्पेसिफिकली आप जिस बंदे की बात करोगे वो ये प्रोफेसर है जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और वो हमेशा जो है वो एजुकेशन के लिए काम करता है और करता आया फॉर द पास ट्वेंटी इज़ हु इज़ इज़ एवरी In that area, knows uh, know that person because Zaira, he has done generations. Who are they? They have community service. He has done a lot. He has opened that, he has institutes. vocational institutes. So there are there, there's so much that you can talk about. So once you have visualized something, you will, <laughs> it will be easier for you to mind map and to talk about all of those points. Third major cue card these days is that a new law that you would like to implement. So till now, you Uh, मुल्क में नहीं है ऐसा कोई नया लॉ जो आप चाहते हैं कि जो इम्प्लीमेंट हो सके होना चाहिए और ऑब्वियसली क्यों होना चाहिए आप सारी उसके बारे में बात करोगे अब इसके अंदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारे लॉब तो मतलब हर कैटेगरी से रिलेटेड लॉ हो सकता है ना हर हर डोमेन से रिलेटेड हो सकता है आप ट्रैफिक से रिलेटेड कर सकते हो आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई लॉ कर सकते हो आप पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड कोई कर सकते हो आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई कर सकते हो तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना जिसमें आपको लगता है उसके हवाले से बता दो कि ये जो लॉ है ना वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए फॉर इंस्टेंस हम जी बात कर देते हैं कि एक जो सेंट्रलाइज करीब को लेना वो फॉलो होना चाहिए और ये एक लॉ होना चाहिए कि हर स्कूल चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो वो एक ही सेंट्रलाइज्ड जो है वो करिकुलम फॉलो करेगा फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू द मैट्रिक तो इससे क्या होगा कि एक एक ही अच्छी किस्म की जो एजुकेशन है जो कि स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो थ्रू आउट सबको मिल रही होगी इसमें डिस्पैरिटी नहीं आएगी कि जो ज़्यादा अमीर हैं वो अच्छी एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और जो थोड़े से हम्बल से हैं वो उस उस तरह की एजुकेशन को अप्रोच नहीं कर सकते तो मे बी दिस लॉ इज़ विल हेल्प द द मुल्क द द कंट्री ओवरऑल इन द लॉन्ग रन तो आप इस चीज़ की बात कर सकते हो एंड दिस पॉइंट कम इन टू माई माइंड बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद एजुकेशन फील्ड आपकी जो भी फील्ड है चाहे आप लॉ से हो चाहे आप ब्लड से आपने फूड uh, साइंसिस में किया हुआ है तो मे बी यू वॉन्ट टू मेक अ लॉ अकॉर्डिंग देट आपने uh, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ी है और उसके हवाले से आप चाहते हो तो जो भी आपका फील्ड ऑफ एरिया है मतलब इंटरेस्ट है जिसमें आपको लगता है कि होना चाहिए तो जस्ट इमेजिन दैट थिंग दैट यू रियली वॉन्ट एंड देन टॉक अबाउट इट सिंपली और उसी तरह कॉन्टेक्ट दो कि लॉज क्यों जरूरी हैं कौन कौन से लॉज ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहे हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाना कितना जरूरी है फिर बात करो कि कौन सा नया लॉ आप इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो और फिर उसके बाद फर्दर जो भी पॉइंट्स जगह होंगे उनके ऊपर आप बात कर सकते हो तो ये तीन क्यू कार्ड्स हैं ये काफी ज्यादा ओवरली मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं विद द डिफरेंट वेरिएशन ऑफकोर्स ये एज इट इज हो सकता है आपको ना आए लेकिन किसी ना किसी डिफरेंट वेरिएशन में ये आपको जरूर देखने को मिल सकता है अगर आप मई में और या फिर अभी कुछ अर्से तक आपने टेस्ट बुक करवाना है सो यू कैन प्रिपेयर दीज थ्री क्यू कार्ड्स रियली वेल एंड आई होप यू विल फाइंड द सेल्फुल Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. Allah